पाकिस्तान में विपक्षी एकता से घेरे पीएम इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया है। बौखलाए इमरान खान आंतरिक संकट से लोगों का ध्यान भटकाने और विपक्ष को बरगलाने के लिए कश्मीर में धारा 370 बहाल करने की ही मांग कर रहे हैं। संकट से जूझ रहे इमरान खान को क्यों फिर कश्मीर की याद आई, इस रिपोर्ट में देखिए। विपक्षी दलों के निशाने पर आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया है। अब तो वो कह रहे हैं कि जब तक भारत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाल नहीं कर देता, उससे कोई बातचीत संभव नहीं है। जबकि भारत कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को पहले ही कई बार लताड़ लगा चुका है, बावजूद उसके भी इमरान खान बार बार कश्मीर को लेकर सपने देखने लगते हैं। बता दें कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक ऐसा मुद्दा है जिसके सहारे नेता आवाम का समर्थन जुटाने की कोशिश में रहते हैं, और मौजूदा वक्त में इमरान खान के खिलाफ वहां की आवाम का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आम जनता भी उनकी नीतियों से परेशान आ गई है, इसलिए वो कश्मीर राग छेड़कर समर्थन की आस में लग रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद में डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान कहा, जम्मू कश्मीर का स्वायत्त दर्जा बहाल करने तक भारत के साथ बातचीत संभव नहीं है। भारत को छोड़कर पाकिस्तान के किसी भी देश के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध नहीं है। भारत पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। जब तक कश्मीर में पुरानी स्थिति लौट नहीं आती, हम उससे कोई बातचीत नहीं करेंगे। पाकिस्तान के आका ने खुद ही भारत के साथ दुश्मनी की बात कबूल कर ली। हालांकि ये बात अलग है कि दुनिया के कई देशों से पाकिस्तान के रिश्तों में दरार आ गई है। सिर्फ चालबाज चीन का ही उसे साथ मिलता है, लेकिन कुछ वक्त से चीन भी कर्ज के जाल में फंसाकर पाकिस्तान के साथ गेम खेल रहा है। तो वहीं सऊदी अरब से भी पाकिस्तान के साथ रिश्तों में खटास आ चुकी है। लेकिन जब अपने ही देश में इमरान खान विपक्ष से घिरे तो उन्हें कश्मीर की याद आने लगी। जबकि भारत कश्मीर को अपना आंतरिक मुद्दा बता चुका है, बावजूद उसके भी पाकिस्तान अपने पैर फंसाकर भारत से लताड़ खाने की फिराक में रहता है। कई बार कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठा चुका है, लेकिन वहां भी उसे मुंह की खानी पड़ी और विपक्षी दलों के निशाने पर आए इमरान खान को आवाम का समर्थन लेने के लिए फिर कश्मीर की याद आने लगी है। पहले भी इमरान खान कई बार कश्मीर को लेकर बयानबाजी करते रहे हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वहां भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साफ तौर से बता चुका है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म किया जाना उसका आंतरिक मामला है। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।